महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य की ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का आशीर्वाद हासिल हो सकता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में अजीत पवार समेत एनसीपी के 9 विधायकों के एकनाथ शिंदे नीत सरकार में शामिल होने के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे। राज ठाकरे ने कहा, राज्य में जो हुआ वो बेहद घृणित है। ये महाराष्ट्र के मतदाताओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में इन चीजों की शुरुआत शरद पवार ने की। उन्होंने पहली बार 1978 में पुरोगामी लोकशाही दल सरकार का प्रयोग किया था। महाराष्ट्र ने पहले कभी ऐसे राजनीतिक परिदृश्य नहीं देखे थे। ये सारी चीजें पवार से शुरू हुई और पवार पर ही खत्म हो गई। राज ठाकरे ने बड़ा दावा भी किया है। राज ने दावा किया कि हालिया घटनाक्रम के पीछे खुद शरद पवार हो सकते हैं। राज ठाकरे ने कहा, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे, पाटिल और छगन भुजबल उनमें से नहीं है जो अजीत पवार के साथ जाएंगे। राज ठाकरे ने ये भी आशंका जताई है कि सारे खेल के पीछे शरद पवार का ही हाथ हो सकता है। ये भी कहा कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री की शपथ ले लें। आपको बता दें कि अजीत पवार ने बगावत के बाद बुधवार को अपने चाचा शरद पवार को अपना नेता और गुरु बताया। इसके बाद गुरु पर ही सवाल भी खड़े कर दिए। अजीत ने कहा, साल 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर खुद पवार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 1999 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर अलग पार्टी बनाई थी। साल 2023 में पवार साहब ने कहा कि 83 साल का हो गया हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ। वो सुप्रिया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, हम तैयार थे, फिर यू टर्न क्यों लिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।